तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं अगस्त 2021 के 30 बेहतरीन और बेस्ट जो गिल्ड के नेम होते हैं, जो फ्री फायर करीना फ्री फायर का जो गिल्ड है उसके नेम विथ सिंबल और स्टाइलिश फॉन्ट के साथ। तो आज हम मैं आपको बताऊंगा 30 ऐसे जो स्टाइलिश फॉन्ट होते हैं नेम जो है वो किस किस तरह से लिखे जाते हैं गिल्ड के अंदर, समझ रहे हो कैसे कैसे नाम होते हैं गिल्ड के। तो एक जो गिल्ड है वो गरीना फ्री फायर का एक यूनिक फीचर है जिसके बारे में सब जानती होगे, और कई कारण जो है जो इसे गिल्ड जो है वो गेम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनाते हैं। कई कारणों की वजह से इसे एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है, जिसमें से एक तो ये है कि डेली जो गिल्ड के अंदर अगर आप गरीना फ्री फायर के अंदर लॉगिन होते हो तो डेली आपको गिल्ड के अंदर शाइनिंग रिवॉर्ड मिलते हैं। कई सारे रिवॉर्ड होते हैं उसके अंदर, और आप खेलते हो आपको तो पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्लेयर है अगर वो किसी गिल्ड के अंदर ज्वाइंट है तो उसे कई सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं, और उसे कई सारे टूर्नामेंट में अपने साथियों जो गिल्ड के साथी है उनके साथ हिस्सा लेने का मौका मिलता है। और गिल्ड की वजह से ही आपको कस्टम भी मिलता है हर शुक्रवार को, उसमें आप पार्टिसिपेट भाग ले सकते हो अपने गिल्ड के साथियों के साथ, और कई सारे मैच खेलने के बाद आप कई सारे डॉग टैग इकट्ठा कर सकते हो, और उन डॉग टैग से आप कई सारी चीज़ें भी ले सकते हो, कई सारी चीज़ें अर्न कर सकते हो, और आपको कस्टम भी मिलता है जो इस गेम की सबसे महत्वपूर्ण खासियत है, समझ रहे हो। बेसिकली कई सारे प्लेयर तो कस्टम के लिए खेलते होंगे, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। और उसके अंदर भी जो ये गिल्ड है उसके भी जो नियम है, बेसिकली उसका जो नाम है उसको कई अलग अलग तरीक़ों से लिखा जाता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। तो एक गिल्ड का जो प्लेयर है वो दूसरों को देखकर या फिर अपने जो मनपसंद फॉन्ट है या स्टाइल है उसके हिसाब से अपना गिल्ड का नाम रखना चाहता है, तो उसे रखने के लिए वो इंटरनेट पे जाता है और सर्च करता है। वो ऐसे फॉन्ट सर्च करता है जिसे हम IGN कहते हैं, यानी कि यूनिक फॉन्ट कहते हैं, स्टाइलिश फॉन्ट कहते हैं। तो वो सर्च करता है और उसके हिसाब से अपने गिल्ड का नाम लिखता है और उस फॉन्ट के साथ उसे जोड़ देता है, और उसे फिर अपने गिल्ड का नाम रखता है। और ऐसे ही कुछ जो फॉन्ट है गिल्ड के नेम है वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दूंगा, ताकि आप कुछ 30 गिल्ड के नेम है जो फॉन्ट के साथ, समझ रहे हो, फॉन्ट के साथ गिल्ड के नेम है जो किस किस तरह से लिखे जाते हैं। तो अगस्त के अंदर ये 30 बेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले जो गरीना फ्री फायर का गिल्ड का नाम है, सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले फॉन्ट है, तो वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप देख लेना। बारी बारी से 30 के 30 में फॉन्ट और नेम के साथ दिखा रहा हूँ। अगर आप आपको चाहिए तो आप वीडियो रोक कर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप अपनी तरह से अपना गिल्ड का नाम रख सकते हो। तो उसी के साथ अगर आप समझ रहे हो, अगर आपका पहले से गिल्ड है और आपको अभी पता चल रहा है कि मैं अपना फॉन्ट नया अपना नाम बदलना चाहता हूँ गिल्ड का और नया फॉन्ट लगाना चाहता हूँ, तो मैंने तो आपको बताया किस किस तरह के फॉन्ट आते हैं, किस किस तरह से आप अपने गिल्ड का नाम स्टाइल इस तरह से दूसरों को दिखा सकते हो। तो आप पहले से अगर आपका गिल्ड बना हुआ है और आपको नाम बदलना है तो मैं टिप्स यानी कि आपको सिखा देता हूँ कैसे बदलना है। तो स्क्रीन के ऊपर इमेज भी मैं डाल दूंगा, आप देख लेना, एरो के साथ होगी। तो सबसे पहले जब आप गरीना फ्री फायर को लॉन्च करते हो यानी कि ओपन करते हो गेम को, तो गेम ओपन होने के बाद उसकी दाहिनी ओर जो है आपको गिल्ड का एक आइकॉन बना हुआ दिखा के देगा, आपको पता ही होगा कहाँ पर होता है। तो उस गिल्ड के आइकॉन पे जाना है और ऊपर की साइड बॉर्डर के ऊपर ये आपको एक पेंसिल जैसा निशान दिखाई देगा, वो है नेम चेंजिंग, गिल्ड नेम चेंजिंग आइकॉन कहा जाता है उसे। उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपके ऊपर एक स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप आ जाएगा, और उस पॉपअप पर दो लाइनें होगी और उस पर लिखा होगा गिल्ड नेम चेंज नेम ऐसा लिखा होगा, और नीचे होगा 5-6 डायमंड, समझ रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको जो फॉन्ट पसंद आए उसे कॉपी करने नाम लिख देना है उस फॉन्ट के अंदर। आपको किसी भी वेबसाइट पे ऊपर कई सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी अगर आप सर्च करेंगे, जैसे कि सर्च करें फ्री फायर फॉन्ट ऐसा कुछ सर्च करें तो आपको मिल ही जाएगा आराम से, बड़े आराम से आप सर्च कर लेना। फिर आपको क्या करना है, वहाँ से कॉपी कर लेना है आपको जो भी अपना गिल्ड का नाम रखना है वो, और कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है, जो 3 अक्षर से ज़्यादा ही होना चाहिए, ऐसा भी कुछ रूल है इनका।
तो वो आपको वहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर आपका जो ये 500 डायमंड वाला आइकॉन होगा वो ब्लू हो जाएगा, यानी कि उसके ऊपर आपको दबाना है। तो जब आप उसके ऊपर दबाओगे, क्लिक करोगे, तो वो 500 डायमंड आपके अकाउंट से कट जाएंगे और फिर आपका जो नाम है गिल्ड का वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। और ये तो हो गया गिल्ड का नाम चेंज कैसे करते हैं। और यहाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ कि गिल्ड का नाम सिर्फ वही बंदे चेंज कर सकते हैं जिसने गिल्ड बनाया, यानी कि जो गिल्ड लीडर है, और जिसे लीडर ने या फिर कोई ऑफिसर बनाया है सिर्फ वही ये गिल्ड का नाम चेंज कर सकते हैं। बाकी कोई मेंबर या कोई न्यू प्लेयर उसे ज्वाइन किया है तो वो उसे नेम चेंज नहीं कर सकता। तो बस आज के वीडियो में इतनी जानकारी थी। आशा करता हूँ नए प्लेयर को जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।